स्ट्रेंजर के पास जाने से पहले आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएं। सारे दुश्मन दोस्तों को ज्वाइन कराया ना, जो हमको बोलता था भाई देवेंद्र बेबे करके बात कर, जब ज्वाइन कर गया देवेंद्र भैया एक बात बोले, मतलब भैया बोलने में बड़ा दिक्कत होता है, बोले देवेंद्र बोलो, हमको बोले नहीं यार सब लोग बोलते हैं ना, अब सब भीड़ में हम देवेंद्र बोल देते सब हमको घुर्रा कैसे देखता है, इसलिए हमको भी भैया पड़ोसी को तो जरूर बुलाओ। अगर पड़ोसी का बेटा ज्वाइन कर गया ना तो जिंदगी में कभी वो ताना नहीं मारेगा। इसलिए डर लगता शर्म लगता, ये डर और शर्म खत्म कर दो। आपकी घर की स्थिति अगर खराब है ना तो डर और शर्म खत्म करो, कोई भी बंदा इन्विटेशन हो जाएगा। और मैं एक बात और भी बता देता हूं, स्ट्रेंजर में आपका रेशियो थोड़ा कम होगा, आप 10 लोगों से मिलोगे जिसमें 5 लोग बात करेगा 3 लोग आएगा, समझ में आ रहा है मेरे बात, लेकिन वही 3 लोग आपके लिए 3 करोड़ का बिजनेस करके देगा, समझ में आ रहा है। कौन उसमें से विपिन भैया निकल जाएगा, कौन उसमें से मुरली भैया निकल जाएगा, पढ़ाई करते करते महीने में अगर आपको 8-10 हजार रुपया आने लगे कैसे लगेगा, बोले बड़ा मजा आएगा। तो आप हाथ में 90 मिनट से लेकर करीब 2 घंटा के बीच में आप लेकर आइए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगा। इस जगह पे आइए, साइंस सिटी में बुलाया गया था मेरे को, समझ में आ रहा है, जबकि वो चाबी नहीं ढूंढ रहा था ना, चाबी खोया था उसको, वो क्या कर रहा था, इनविटेशन कर रहा था। हेलो सोशल मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया में आपका बहुत सारा फ्रेंड है, है कि नहीं है, और आप इंस्टाग्राम में बात करते हो, और कई लोग क्या बोलते हो फेसबुक में क्या है मैसेंजर, मैसेंजर में भी कई लोग बात करते हो, आप वहां पे इनवाइट कर सकते हो। पहला बात कि टीचर को इनविटेशन करने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अपने टीचर को कैसे इनवाइट किया, भाई तो मत बोल देना कि भाभी भैया 20 हजार कमा रहे, आप 1 लाख रुपया कमाइएगा, वो चाय में चीनी ना डाल के नमक डाल के लिया और पिला भी देंगे। तुम देखिएगा बुजुर्ग इंसान से ना बात करने के लिए कोई नहीं रहता है, पोता पोती है, नाती पोता वो स्कूल में है बीजी, बेटा कहीं जॉब में बिजी, बहू कहीं और बिजी, समझ में आ रहा है, बात करने के लिए कोई आदमी नहीं है। बुजुर्ग इंसान से 2 मिनट बात कीजिए, वो आपके साथ में दोस्ती बना लेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है अब आते हैं आर फॉर हेलो, कौन रिलेटिव है ना, रिश्तेदार, रिश्तेदार को कैसे इनविटेशन कर सकते हो। देखिए एक बात या मानिए ना मानिए, आप स्ट्रेंजर के पास जाने से पहले आप अपने रिश्तेदारों के पास जाइए, चाचा का बेटा, चाची का बेटा, मामा का बेटा, मामिया का बेटी हो गई, दूर का कजन ब्रदर जो है, समझ में आ रहा है, आप उसके घर में जाकर जाइए। और मैं एक चीज गारंटी बोलता हूं, कजन ब्रदर या रिलेटिव को आप बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट करके उसको ज्वाइन करा सकते हो। कैसे, आप जाइए उसके पास, ठीक है, और एक बात बोलता हूं, पहले प्रयास कीजिए कि उनके मम्मी पापा से बात कीजिए। हेलो किससे बात कीजिए, जैसे मौसी का बेटा को बुलाना है, और मौसी, मौसी कैसे हैं, उसके घर जाइए पहले, मौसी कैसे हैं, खाना वाना दिया आपको, मौसी खाना खाए, मौसी एक बात बोले, मौसी आज हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा मौसी, आज अपना पढ़ाई अपने बलबूते पे कर रहे हैं, हम 1 रुपया नहीं लेते माँ से, आप पूछिए मम्मी से, मम्मी से बात करके जाना, समझ में आ रहा है, अब ऐसा ना हो कि मम्मी बोले वो साला नालायक नाकारा, समझ में आ रहा है, मम्मी से बात करके वाकई आप इनकम करो तो मम्मी बोलेगी हाँ ये लड़का कुछ कर रहा है और धीरे धीरे करके देखे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आपकी माँ ये जरूर जवाब दे दे कि उसके अंदर बहुत बदलाव आया, क्या आया है, बोलने का तरीका चेंज हो गया, रहन सहन ठीक हो गया, अब आपकी मौसी बात करेगी मम्मी से वो पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद अपने भाई से बात करो, समझ में आया, भाई सुन एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जहां से हम अपना लाइफ चेंज कर, हम नहीं चाहते कि हम जीवन में कुछ करें फिर कल होके तुमको पता चले तो तुम ये लगे तुमको कि हमको नहीं बताया। और रही बात, अगर विश्वास करते हो, अगर अपने भाई पे विश्वास करते हो या अपनी बहन पे विश्वास करते हो तो आप हाथ में 90 मिनट से लेकर 2 घंटा के बीच हाथ में लेकर आइए, मैं गारंटी देता हूं वहां से कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा, आपका लाइफ परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। और एक चीज का गारंटी देता हूं कि तुमको मौसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो समझ में आ रहा है, तो फोन पे नहीं बात करना, घर पे जाकर, अगर दूर है तो जैसे आपका कई कई लोग यहां से रांची में रहने वाले, धनबाद है आपका मौसी, धनबाद में मौसी आपकी, हेलो समझ में आ रहा है, तो आप टेलीफोनिक और या तो वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात। और नजदीक में है अगर 20-30 किलोमीटर के रेडियस में तो घर ही पधार जाइए, क्या कीजिए,
घर ही चले जाइए, समझ में आ रहा है। और जरूरत हो तो प्रोजेक्टर स्मार्ट हो गया या कुछ जो वीडियो, बहुत सारे वीडियो है ना, वो वीडियो भी थोड़ा थोड़ा आप अपने मौसी को दिखा दीजिए कि लोग यहाँ से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये आप अपने, अब सुन लीजिए, पहले अपने कैटेगरी को। अब ये नहीं है कि आप गए और सीधे मौसा जी को इन्वाइट कर रहे, नहीं, मौसा जी आपके बात सुनेगा? जीवन में नहीं सुनेगा। मैंने पिछला ट्रेनिंग में भी बोला था कि बड़े लोगों को इनवाइट करना है, लेकिन देखिए हमेशा पहली, पिछले बार भी मैंने बताया था कि कैटेगरी होता ए बी और सी। बी कैटेगरी आपका लेवल का होगा, क्या होगा? आपका कैटेगरी आपका लेवल का। ए होगा अप लेवल का और सी क्या होता है? डाउन लेवल का। समझ में आ रहा है? हेलो। तो बी कैटेगरी आप अपने मौसा का बेटा, मामा का बेटा बेटी को आप इन्विटेशन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? या अपने बड़े पापा का बेटा को इन्विटेशन कर सकते हैं, बेटी को इन्विटेशन कर सकते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? सीधे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बड़े पापा को ले आए, समझ में आ रहा है? फिर वहीं पे सब हो जाएगा, टाटा फिक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और सी कैटेगरी में भी नहीं जाना है। अब जैसे आपका मौसी का बेटा है, मान के चलो 10 साल का, अब उसको इन्वाइट करने के लिए गए, अब वो तो आ तो जाएगा, ज्वाइन भी कर जाएगा, लेकिन 10 साल वाला क्या काम करेगा जी? यहाँ कुछ क्राइटेरिया है ना, हाँ या ना, 18 साल कम से कम क्राइटेरिया है कि नहीं है? अब आप इनवाइट किए 10 साल वाला, अब आपका मौसा का वो बेटा जो ज्वाइन किया है वो क्या करेगा? अपना बगल वाला किसी को इनवाइट करेगा जिसका उम्र है 7-8 साल। अब 7-8 साल ऐसे देखते देखते पता चला कि एक दिन प्रेजेंटेशन हॉल में पहुंचोगे, सब देखोगे करने वाला सब बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है? कुछ भी बोलोगे यस या नो करेगा, समझ में आ रहा है? हरियाणा तो नीचे कैटेगरी में ज्यादा नहीं जाना है। एज का डिफरेंसेस जो होता है, एज का जो आपका कैटेगरी है, उस एज के कैटेगरी को आप फॉलो करेंगे, ठीक है? ये हो गया रिलेटिव। इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो आपका दोस्त कोचिंग में पढ़ता है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट फ्रेंड है आपका, कोचिंग में पढ़ता है आपके साथ में, ट्यूशन पढ़ता है आपके साथ में, हरियाणा। तो अपने दोस्त और फ्रेंड के पास मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। कोचिंग फ्रेंड में अग्रवाल कोचिंग में पढ़ाई करता था, यहीं पे एक जगह है रांची में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहु बाजार के जस्ट आगे है, सिर्रम टोली बोल के एक जगह, वहीं पे एक अग्रवाल कोचिंग था जहां मैं ट्यूशन पढ़ता था। एक दिन मैं क्या किया, स्मार्ट वैल्यू का बुक लेके गया और जान बुझ के क्या किया, अपने दोस्त के बैग में डाल दिया। क्या किया? अपने दोस्त के बैग में डाल दिया। अब वो रात को खोला, भाई ये कौन सा बुक है भाई? अब वो देख रहा है बुक ऐसे ऐसे कर, समझ में आ रहा है? देखिए एक बात और मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, कि अभी हम लोग एक बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है? वो बुक जो सक्सेस बिगनिंग का बुक बहुत काम आएगा आपको, यही सब में काम आएगा, इन्विटेशन में, फॉलो अप में ही काम आएगा आपका। तो मैंने फिर मैं पॉइंट पे आता हूं, मैंने क्या किया, अपने दोस्त का कोचिंग वाला दोस्त के बैग में डाल दिया, क्या एक बुक डाल दिया। अब वो देख रहा भाई है क्या, उसको रहा नहीं गया, दूसरा दिन आया, अभी है क्या, अरे यार इसी बुक को तो ढूंढ रहे थे यार, तेरे पास चला गया था यार, बुक ले ली। और लेने के बाद अबे है क्या, अबे छोड़ दे भाई ये मत पूछो, आज मेरे जिंदगी चेंज कर दिया, तेरे पास टाइम नहीं होगा, छोड़ दे हटा दे, चल पर जो सर बता रहे हैं चुपचाप पे ध्यान दो। फिर थोड़ी देर के बाद अबे है क्या भाई, अबे मत पूछो, आज तुम देख रहे हो ना जो नया वाला मोबाइल हम लेने वाले हैं, वहीं से लेने वाले हैं, बाइक भी इतने तारीख को लेने वाले हैं, अबे है क्या भाई, बताएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा। जब आप थोड़ा बहुत टेकिंग अवे कर लोगे, वो 10 बार पूछ देगा, तो आप उसको बोलोगे मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, वीआईपी प्रोजेक्ट है, या फिर आप जो बोलते हो, फैमिली सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है या फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोजेक्ट है, इस तरह का बात बोलते आप उसको इन्विटेशन दे सकते हो। कोचिंग फ्रेंड, मैं गारंटी देता हूं, कोचिंग फ्रेंड में एक चीज का ध्यान रखेंगे, एबीसीडी का, क्योंकि वहां बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, एबीसीडी मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं, तो जो उसमें सबसे ज्यादा आपका करीब का रहेगा, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, उसको पहले इनवाइट कीजिए, वो ज्वाइन करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके मैं तो अग्रवाल कोचिंग में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 60-70 बंदे को ज्वाइन कराया था। तो आप धीरे धीरे करते करते आप ऐसे एक बंदा, दो बंदा, तीसरा बंदा भी आपके पास आएगा, अपॉर्चुनिटी इस तरीके से दे सकते हैं। कोचिंग फ्रेंड को भी इनविटेशन आप कर सकते हो। इसके लिए हेलो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको किसी को बुलाओ ना बुलाओ, साले इसको तो जरूर बुलाओ। कौन है ये? इनेमी। इनेमी जानते हो? कौन? दुश्मन।
आपका कॉलेज में, स्कूल में, फ्रेंड कहीं भी तो होगा जिससे दुश्मनी हुआ होगा, पूरा फैटा फैटी हुआ होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, गाली गलौज भी हुआ। कई लोग तो ऐसे, कई लड़कियां ऐसी होंगे, आपकी बहुत सारी सहेली हुई जिसका खोपड़ा भी देखना पसंद नहीं करते होंगे, हाँ या ना, गलती से गुजर जाता होगा तो साली आज बिल्ली रास्ता काटे ऐसा लगता होगा ना, हाँ या ना। आ किसी लड़के का देखिए, दोस्त लड़कों में तो उतना नहीं रहता है पर लड़कियों में ज्यादा रहता है, तो वैसे बिल्ली को भी आपको इनवाइट करना है, समझ में आ रहा है, इट इज क्लियर। एक बात बताओ, आपका दुश्मन आपके नीचे काम करे अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना, हर बात आपसे पूछे दीदी कैसे होगी, भैया कैसे होगा। बहुत सारे दुश्मन दोस्तों को ज्वाइन कराया ना, जो हमको बोलता था भाई देवेंद्र बेबे करके बात कर, जब ज्वाइन कर गया देवेंद्र भैया एक बात बोले, अरे भैया बोलने में बड़ा दिक्कत होता है, बोले देवेंद्र बोलो हमको, बोले नहीं यार सब लोग बोलते हैं ना, अब सब भीड़ में हम देवेंद्र बोल देते सब हमको घुर्रा कैसे देखता है, इसलिए हमको भी भैया बोलना पड़ता है। एक दो बार तो ऐसा हुआ ना, मेरा कई दोस्त था जिससे एंटी था, तो बहुत सारे दोस्तों जो ज्वाइन किया, अब सब लोग पैर छू रहा है, अब वो हमको यहाँ पे ऐसे करके देख रहा है, तो सब लड़का लोग उसको छूता कहीं नहीं पे। तो मजा आता तब जब आपका दुश्मन भी आपके नीचे काम करे ना, तो बड़ा मजा आता है। कितने लोग चाहते कि आपका दुश्मन दोस्त यहाँ पे ज्वाइन करके काम करे आपके नीचे है, साले उसको जरूर बोला, समझ में आ रहा है, और काम करेगा तो बेहतरीन काम करेगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा बॉस, दुश्मन दोस्त ना आपसे कंपटीशन बड़ा मजेदार रहेगा। अगर आपका कोई दुश्मन दोस्त है या सहेली है, आप अगर गोल्ड बन गए ना भैया, वो अपने सीनियर से बात करेगा, भैया इस बार ना प्रिया जो है ना गोल्ड बन गया, अगले बार देखिए उसको कैसे बीट करते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात, हेलो। कॉम्पिटिशन रहता है, यही कॉम्पिटिशन तो आज के तारीख में कई ग्रुपों में मैंने देखा है, उस कॉम्पिटिशन की वजह से आगे बढ़ता है। तो आप इनेमी को मत छोड़िए, इन्विटेशन कीजिए और अपना दुश्मनी भुला के ऐसा लगे ना कि दोस्त है, जाओ उसके पास, और क्या हाल चाल है भाई, हम लोग भूल गया क्या मारपीट, अरे भूल चल यार कोई दिक्कत नहीं, मेरा ही गलती था भाई, ऐसे करके, क्योंकि देखो फ्यूचर में काम करवाना है उससे, तो थोड़ा बहुत तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, हाँ या ना, सॉरी बोल के बातचीत करके स्टार्ट करके पहले दुश्मन के पास तुरंत जाकर दूसरे दिन मत इनवाइट कर देना, दो चार दिन बात करो, थोड़ा चाय पानी पियो कहीं कहीं जाकर, फिर चौथा दिन पांचवा दिन आप इनविटेशन करो, वो जरूर आएगा और ज्वाइन करेगा, तो मैं गारंटी देता हूं बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आपका होगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, समझ में आ रहा है। मैं तो चाहता हूं और मैं तो यही चाहता हूं कि आपका लेफ्ट में भी दुश्मन ज्वाइन कर जाए, आपका राइट में भी दुश्मन ज्वाइन कर जाए, समझ में आ रहा है, फिर देखो कंपटीशन में आप कहां आगे जाओगे, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो एनएमी को भी नहीं छोड़ना, इसके बाद भी मैंने बताया था क्या, एम्प्लॉय पर्सन, एम्प्लॉय का ऐसे ही बेचारा लोगों का हालत खराब रहता है, फटा पड़ा रहता है बेचारा का हालत खराब, जिंदगी मतलब झंड वाम टाइप का रहता है, समझ में आ रहा है। एम्प्लॉय इंसान को आप जैसे कहीं नौकरी कर रहा है, आप उसको एक मौका दे सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भाई क्या करते हो, क्या काम कर रहे हो, हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना रुपया कमाते हो भाई, तो हम 10,000 रुपया कमाते हैं। अच्छा एक एक सर्वे बता दे रहा हूं, जस्ट कुछ महीना पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है कि हिंदुस्तान में 83% हेलो 83% बंदा जो है 10,000 से 15,000 के बीच में इनकम करता है, इतना मार, उसमें से भी 10,000 70% लोगों जो 10,000 कमाता है, समझ में आ रहा है। और हिंदुस्तान में सक्सेसफुल इंसान किसको बोला जाता मालूम है, हिंदुस्तान में सक्सेसफुल का रेशियो मैं देख रहा था न्यूज चैनल में, जो बंदा महीने का 50,000 से 1,00,000 रुपया कमाता है वो बंदा हिंदुस्तान के नजर में इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। तो स्मार्ट होने तो हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, yes. आया ना, ये मैं सच्चाई वाला बात बता रहा हूं। तो हम लोग आज बाहर की दुनिया में आपके जो फ्रेंड सर्कल है आप पूछ के देखो क्या स्थिति में जी रहे हैं। तो चलिए मैं फिर पॉइंट पे आता हूं, आप अपने दोस्त को इंप्लाई को बंदे को आप बोल सकते हो भैया आप 10,000 कमा रहे हैं, आप एक काम कीजिए अगर इसमें प्लस और 10,000 हो जाए तो कैसा रहेगा, टोटल 20,000 रुपए इनकम आएगा तो कैसा रहेगा, बोलेगा अच्छा रहेगा। तो आइए मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी बदल सकती है, इट इज क्लियर, हेलो, समझ आ रहा है मेरी बात। तो इसके बाद हो गया एम्प्लॉय, इसके बाद एज क्या आता है, पड़ोसी। जिंदगी में किसी को ज्वाइन कराओ ना कराओ,
लेकिन साला पड़ोसी को जरूर ज्वाइन करो, नहीं तो जिंदगी भर ताना मार के आपको जीने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? हेलो। तो नेवर मतलब पड़ोसी। कौन? पड़ोस। जिंदगी में बोला जाता आप सब कुछ बदल सकते हो, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। तो पड़ोसी को क्या करना है? जरूर इनवाइट करना, क्योंकि याद रखना पड़ोसी का माँ बाप आपको बहुत ताना मारा था। समझ में आ रहा है? एक समय में आप पड़ोसी का बेटा बेटी जो, उसको आप जरूर इनविटेशन करो, एक दोस्त की तरह तो होगा, क्योंकि पड़ोस में रहता है तो आप जानते हो। और थोड़ा कभी कभी क्या होता है, पड़ोस में एंटी भी रहता है साला, ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी चलता है ना, पानी क्यों फेंक दिया, कपड़ा क्यों सुखा दिया मेरा, कभी ऐसा गाँव में यही होता है, या अक्सर शहरों में भी लगभग लगभग मैं देखता हूँ लड़ाई ही रहता है। लेकिन आप एक अच्छा रिलेशन बनाकर पड़ोसी को तो जरूर बुलाओ। अगर पड़ोसी का बेटा ज्वाइन कर गया ना, तो जिंदगी में कभी वो ताना नहीं मारेगा। इट इज क्लियर? तो आप पड़ोसी को भी इनवाइट कर सकते हो। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो डी, डॉक्टर के पास अभी मत जाओ। डॉक्टर के पास जब यहां से टू व्हीलर वगैरह खरीद लो, बाइक खरीद लो, फिर डी फॉर डॉक्टर के पास आप इन्विटेशन करने जाना। एस फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी इंसान को, जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था ना, अजनबी इंसान को क्या करना, पहला टोकना है, रोकना टोकना और हेलो जोर से बोलो, रोकना टोकना और बोलना। समझ में आ रहा है? घबराना नहीं है। अच्छा एक बात बता, तुम इंसान हो? Yes. अगला बंदर जो इनवाइट कर रहे हो वो क्या है? इंसान। जानवर है क्या? No. तो इंसान इंसान से बात कर सकता, बात करने के लिए कोई घबराहट नहीं, कोई भी किसी भी कैटेगरी इनविटेशन कर दो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो। Yes. समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes. इनविटेशन करो, अगला बंदर जरूर आएगा। प्रॉब्लम क्या होता, हमें डर लगता है, शर्म लगता है, ये डर और शर्म खत्म कर दो। आपकी घर की स्थिति अगर खराब है ना, तो डर और शर्म खत्म करो, कोई भी बंदा इनविटेशन हो जाएगा। और मैं एक बात और भी बता देता हूं, स्ट्रेंजर में आपका रेशियो थोड़ा कम होगा, आप 10 लोगों से मिलोगे जिसमें 5 लोग बात करेगा, 3 लोग आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन वही 3 लोग आपके लिए 3 करोड़ का बिजनेस करके देगा। समझ में आ रहा है? कौन उसमें से विपिन भैया निकल जाएगा, कौन उसमें से मुरली भैया निकल जाएगा, प्रकाश भैया निकल जाएगा, माया दीदी निकल जाएगी, कोई भी नहीं जानता। इट इज क्लियर? इसीलिए अजनबी इंसान को, मैं आपको बताऊं, मैं स्मार्ट वैल्यू में कैसे ज्वाइन किया था, मेरे को कौन इनवाइट किया था, मेरे चाचा जी, मेरे भैया नहीं, मेरे को अजनबी इंसान इनवाइट किया था, जिसका नाम विश्वजीत गुप्ता, मैं उसके लिए अजनबी था। एक शाम को मैं जा रहा था, मेरे से टकरा गया, और टकराने के बाद वो चाबी ढूंढने लगा, बोला भाई साहब तेरे से टकराने से मेरा चाबी खो गया। अब हम भी परेशान, मेरी वजह से बेचारा का चाबी खो गया। मैं कोलकाता गया था अपनी माँ, मेरी माँ का ऑपरेशन था, वहां पे गया था। अब हम दोनों मिलकर चाबी ढूंढने लगे, अब वो चाबी कम ढूंढ रहा है, हमसे बात ज्यादा कर रहा है, भैया आप रहते कहाँ हो, कौन सा जगह, मैंने बोला रांची से रहने वाला हूँ, कोलकाता क्यों आया, मैंने बोला माँ के पास आया हूँ, यहाँ पे बड़े पापा लोग रहते, ओके 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 अच्छा अच्छा ठीक है, और करते क्या हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ाई अपने बलबूते पे करोगे तो कैसा लगेगा, पढ़ाई करते करते महीने में अगर आपको 8-10 हजार रुपये आने लगे कैसे लगेगा, बोले बड़ा मजा आएगा। तो आप हाथ में 90 मिनट से लेकर करीब 2 घंटा के बीच में आप लेकर आइए, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगा, इस जगह पे आइए। साइंस सिटी में बुलाया गया था मेरे को, समझ में आ रहा है, जबकि वो चाबी नहीं ढूंढ रहा था ना, चाबी खोया था उसको, वो क्या कर रहा था, इनविटेशन कर रहा था। हेलो। समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए, आप पहुंच नहीं पाते। समझ में आ रहा है? आप पहुंचोगे ना तो 100% हर बंदा इनविटेशन करेगा ही करेगा, हर बंदा मतलब आएगा ही आएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एस फॉर स्ट्रेंजर हो गया, स्टूडेंट को तो आप यार क्लास 10th में हो, क्लास 10th वाले के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है, 8th में हो, सॉरी 8th वाले को मत बुलाना, 10th वाले को बुलाना, 12th वाले को बुलाना, ग्रेजुएट लोगों को बुलाना, कम से कम टारगेट रखो क्लास 10th वाले का। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो। हाँ कभी कभी कोई 9 में भी है, 8 में है, बट वो बंदा किसी कारणवश से वो छोड़ दिया पढ़ाई। समझ में आ रहा है? तो वैसे लोगों को भी आप कंपनी का हेल्थ प्रोडक्ट देकर ज्वाइन करा सकते हो। इट्स क्लियर? देन इसके बाद हम आते हैं अब सोशल मीडिया। अच्छा सोशल मीडिया में आपका बहुत सारा फ्रेंड है, yes, है कि नहीं है? Yes, और आप इंस्टाग्राम में बात करते हो, और कई लोग क्या बोलते हो फेसबुक में क्या है, मैसेंजर, मैसेंजर में भी कई लोग बात करते हो, आप वहां पे इन्वाइट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर सकते हो, मैसेंजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप इनविटेशन उसको दे सकते हो। सोशल मीडिया में भी हर इंसान का कम से कम 100-125 फ्रेंड तो होगा ही होगा, हाँ या ना, आप वैसे लोगों को यहाँ पे बुला सकते हो। इसके बाद टी फॉर टीचर, टीचर को कैसे इनवाइट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इट इज क्लियर? टीचर को कैसे इनवाइट करना है,
अब पहला बात कि टीचर को इनविटेशन करने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं अपने टीचर को कैसे इनवाइट किया था। एक बार की बात है कि मैं अपने टीचर के पास गया। देखिए, टीचर को इनविटेशन करने के लिए ना आपके पास ताकत होना चाहिए, मतलब आपके पास थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। पहली बात तो मैं अपने टीचर के पास 4 बार 5 बार बुलाया, मेरा टीचर आया ही नहीं। समझ में आ रहा है? बोधन क्या कैमरा पकड़ते पकड़ते प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें? नहीं नहीं आजे? होगा तो मेरे पास स्टैंडी भी, वो भी लेकर आ जाएंगे अगले बार से तुम्हारे लिए। आज तुम ऑफलाइन के लिए काम कर रहे हो, कल तुम्हारे लिए कोई काम करेगा। यस। चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। क्या बता रहा था? हाँ, मैं अपने टीचर को 4 बार बुलाया। साला कितनों बार बोलू, हर बार कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता था जिसमें फंस जाता था मैं, तो मैं बुला नहीं पाया। एक दिन मेरा ऑफलाइन बोला, तू ऐसा 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 बोलना, वो जरूर आएगा। अब क्या बोलना है सुनिएगा। मैं अपने टीचर के पास गया, बोला सर। बोला क्या बात है? मैंने बोला सर मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ओरिजिनल मतलब क्या है? बोला शिक्षा का मतलब क्या है? पढ़ाना लिखाना और बड़ा आदमी बनाना। हमने बोला बिल्कुल सही बात आप बोले सर। तो आप कितने लोगों को पढ़ाए हैं सर? बोला हजारों लोगों को। हमने बोला सर कितने लोग एकदम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया? अरे फलना जानते हो, फलना का जानते हो, फलना का जानते हो, 4 लोगों 5 लोगों का नाम लिया। हर इंस्टीट्यूट हर कोचिंग में जाओ ना, 5 लोगों से ज्यादा लोगों का नाम नहीं ले पाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बात? अब वो 5 लोगों का नाम लिया, अब उसके बाद अटक गए। हमने बोला सर मान के चलिए आपने 1000 में 100 लोगों को आप टॉपर बना दिए, 100 लोगों को कहीं सेटल कर दिया सर, मान के। लेकिन सर 900 लोग जो है वो 900 लोग आज सड़क में रोमियो बन के घूम रहा है कि चौमिन का दुकान लगा रहा है कि अंडा का दुकान लगा रहा है। सर कभी पूछने जाते हैं सर? तो सर एक बात बताइए सर, ये एजुकेशन का सही मतलब हुआ क्या? शिक्षा का सही मतलब हुआ सर? शिक्षा का मतलब 100% लोगों को कहीं ना कहीं काम मिलना है ना? क्या 1000 में से सभी लोगों को काम मिला? बोला ये कैसे पॉसिबल है देवेंद्र? हमने बोला पर फिर शिक्षा का क्या मतलब हुआ सर, आप बताइए। आप बुरा मत मानिएगा सर, यहाँ पे 5 लोगों का पोस्टर लगाए हैं, बाकी जो यहाँ पे लोग पढ़ के गया, बोला वो खुद पढ़ने में ध्यान नहीं देता था। हमने बोला सर ध्यान नहीं देता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में कुछ नहीं करेगा। अगर उसको सही तरीका या सही प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो कुछ करने का मौका मिले तो कर सकता है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। हमने बोला सर हमारे हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टॉपर लोग भी कमा सकता है और जो लूजर है वो भी इनकम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हमने बोला सर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपका सजेशन चाहिए। हमेशा टीचर से सजेशन मांगो, ज्ञान मत लो। टीचर को कोई ज्ञान दे सकता है? हम सजेशन मांगे। बोले सर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम करते हैं जहां बहुत सारे लूजर लोग भी बहुत कुछ कर रहा है सर, महीने का 10,000 कोई 20,000 कोई 50,000 कमा रहा है, बोला ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमने बोला सर एक बार आके देख तो लीजिए। बुलाया सर, आया देखा, उनको बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है मेरी बात? तो आप टीचर को इस तरीके से इनविटेशन कर सकते हो सजेशन के रूप में कि सर हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, एक बार मेरे को मार्गदर्शन के लिए आप आइए। समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप टीचर को बुला सकते हो। इसके बाद एच फॉर हाउसवाइफ को आपको मैं फटाक से बता देता हूं, सीधे बगल में कोई भाभी है, कोई चाची है, कोई अगल बगल में आपके पड़ोस में लेडीज हाउसवाइफ है जिनका बच्चे हैं, बच्चा चला जाता है स्कूल, हस्बैंड चला जाता है जॉब में, दिन भर वो टीवी देखती है, दिन भर सोशल मीडिया में रहती है, वैसे लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कैसे? घर जाइए, भाभी कैसे हैं? बोले ठीक है भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा, गर्मी बहुत लग रही है। भाभी पानी दी। भाभी एक बात बोले भाभी। बोले क्या? पहले बातचीत इधर उधर का करके, बच्चे कैसे हैं, कौन सा स्कूल में है, भैया क्या कर रहे हैं, ये सब बातचीत करने के बाद, भाभी आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। भाभी क्या? चाची आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। भाभी कोई काम करती थी क्या? आपका पर्सनालिटी पूरा एयर होस्टेस जैसा लग रहा है। अब हाँ भाई लेडीज देख लेना, ठीक है, अब लेडीज पूरा एकदम हटा कटा आप लग रहे एयर होस्टेस। कौन दुनिया में बे वो गलियाएगा तुमको, हम किस एंगल से तुमको लग रहे एयर होस्टेस? आप पर्सनालिटी देख लेना उस हिसाब से कि भाभी आप बिल्कुल आप अच्छी लग रही है, और हमें लगता है कोई जॉब आप कुछ करती थी। भाभी करती होगी तो बोलेगी, नहीं करती होगी तो बोले नहीं कुछ नहीं करते हैं। भाभी एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा भाभी, आज सच बोलिए भाभी, आज भैया कमाते हैं पैसा,
आपको पैसा मिलता होगा, बच्चे में खर्चा करते हैं, कभी कभी पैसे के क्राइसिस नहीं हो जाता, आपको नहीं लगता काश मेरे पास 10-15 हजार रुपया अगर एक्स्ट्रा रहता ना, तो भैया से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हाँ सोचते तो है पर कैसे कहां से मिलेगा ऐसा, तो भाभी बस मौका मिल गया यहीं पे। हेलो समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछे मौका मिल गया, भाभी मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है या चाची जी आंटी जी मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, भैया तो 20,000 रुपया कमा रहे हैं, आप महीने का 10,000 रुपया कमा सकती है, समझ में आ रहा है। और हाउस वाइफ को 10,000 से ज्यादा नहीं बोलना, 10-12 हजार, समझ में आ रहा है। अब हाउस वाइफ को मत बोल देना कि भाभी भैया 20,000 कमा रहे हैं, आप 1,00,000 रुपया कमाइएगा, वो चाय में चीनी ना डाल के नमक डाल के लिया और पिला भी देंगे तुमको, समझ में आ रहा है। बोला 10,000 रुपया कमा भैया 20,000 और आप 10,000, 30,000 रुपया आएगा, घर अच्छा चलेगा। पूछना है आपको सवाल कि भैया इनकम करते हैं सब कुछ हो जाता है, नहीं रे कहां होता है, पैसा का शॉर्टेज हो जाता है हर महीना। भाभी आपसे शॉर्टेज नहीं होगा, मेरे बगल वाली एक भाभी है जो आज इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, और हाउस और मैं क्या बताऊं, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहां 60% लड़कियां और हाउसवाइफ लोग काम कर रही है। ये थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ा माया जी का फोटो, थोड़ा वीडियो, हेलो समझ में आ रहा है, तुम अपना वीडियो दिखा सकती हो, तुम क्या सक्सेस की हो, तुम अपना फोर व्हीलर कैसे ली, वो सब वीडियो दिखा सकते हो, दीदी का वीडियो आप लोग दिखा सकते हो। और जो सक्सेसफुल, जैसे एक लड़की अभी ये बनी है सफायर बनी है, क्या नाम है, अंजुम खातून सफायर अचीवर बनी है, शी इज वेरी 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 मेरे टीम का वन ऑफ द बेस्ट लीडर, बेस्ट लीडर, 2 साल से सफायर बन रही है। तो आप उसका वीडियो दिखा सकते हो, समझ में आ रहा है कि देखिए वो कैसा घर ली, समझ में आ रहा है। अपना हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप माया जी का दिखा सकते हो, माया का हस्बैंड क्या करता है मालूम है ना आप लोगों को, तो माया का हस्बैंड का वीडियो आप दिखाकर उसको मोटिवेट कर सकते हो, इट इज क्लियर। हाउस वाइफ को आप ऐसे इनवाइट कर सकते हो। बहुत सारे हाउस हस्बैंड होते हैं, मतलब घर घर में वो बेचारा बैठा हुआ है, बीवी काम करती है घर में बैठा हुआ, वैसे लोगों को अभी आप मौका दे सकते हो कि कब तक वाइफ का पैसा से आप अपना घर चलाओगे, अपने कुछ कर सकते हो आप। और अच्छा एक चीज, हाउस वाइफ और हाउस हस्बैंड को क्या बोल सकते हो, आपको डेली काम नहीं करना है, हेलो आपको वर्क फ्रॉम होम घर से काम करना है, आपको केवल प्रेजेंटेशन के दिन आना, ट्रेनिंग के दिन आना, हेलो समझ में आ रहा है मेरी बात। जब पैसा आने लगेगा ना ऑटोमेटिक उसके अंदर इंटरेस्ट जग जाएगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। इसके बाद आते हैं ई फॉर इंजीनियर। इंजीनियर लोगों को अभी इनवाइट नहीं करना, थोड़ा सा जब आपका यहाँ से टू व्हीलर वगैरह हो जाएगा तब आप इनवाइट करना। ओ फॉर ओल्ड पर्सन को जरूर इनवाइट करो यार, मैं ओल्ड पर्सन और आर फॉर रिटायर्ड पर्सन का दोनों का सेम टाइम पे बता देता हूँ। ओल्ड पर्सन का आज के तारीख में घरों में बहुत कम काम रहते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। और रिटायर्ड पर्सन का देखिएगा, ओल्ड पर्सन और रिटायर्ड पर्सन का जितना बेइज्जती सहना, सबका घर में नहीं लेकिन 90% घरों में वही काम होता। देखिएगा हर घर में कोई बुजुर्ग महिला है वही बर्तन धो रही है, माई धो रही है, पिताजी दूध लाने के लिए जा रहा है, बुजुर्ग आदमी है शाम को बेचारा दूध लाने के लिए वही जा रहा है, घर का राशन पानी वही ला रहा है, घर का सब्जी वही ला रहा है, हस्बैंड बिजी अपना काम में, वाइफ बिजी अपने बच्चों में, मेरी बात समझ में आ रहा है। और काम कौन कर रहा है, दो बुजुर्ग आदमी काम कर रहा है, थोड़ा सा ईगो में भी बेचारे लोग को हट लगता है। तो आप सुबह सुबह में ये लोग कहां मिलेंगे ऐसे आदमी मालूम है, मॉर्निंग वॉक कभी करने जाते हो, कभी कभी आपके अगल बगल में कोई ग्राउंड है ना, कोई भी अगल बगल में ग्राउंड, आप उस ग्राउंड में चले जाओ, समझ में आ रहा है। अभी मैं जैसे मैं मोराबादी जाता हूं, मोराबादी में ना कम से कम हमको सैकड़ों वहां पे ये मिलता है, क्या नाम है, बुजुर्ग इंसान। जो लोग रांची में कौन कौन काम करते हैं जी, काम करते हो आप, परसों बृहस्पतिवार के दिन, हेलो सुन लो मेरी बात, कब, परसों मेरे पास आना आप लोग, गारंटी देता हूं सुबह मैं जाता हूं वहां पे, आप कितने बजे आ जाना, 6:30-7 बजे, कितना बजे, आपको हजारों बुजुर्ग इंसान वहां पे मिलेगा। मैं एक वीडियो भी डाला हूं मोराबादी को लेकर, आप उसमें वीडियो देखना, एक एक बुजुर्ग इंसान है 75 ईयर्स है, कितना साल है, 75 साल है, और क्या फिटनेस है, लेकिन जीवन में कुछ करना चाहता है अभी भी, मतलब क्या पैसे को लेकर नहीं, इज्जत चाहिए। एक बुजुर्ग इंसान को आज के तारीख में ना बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है, जिसका उम्र 60 साल, रिटायर कर गया 70 साल, उसको कभी कभी देखे आप देखे कोई भी कुछ भी घटना घटेगा ना, हर घटना का दोषी उस बुजुर्ग इंसान को बना दिया जाता है, उस मां को उस बाप को बना दिया जाता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। और देखिएगा हर अगर एक बुजुर्ग इंसान का 3 बेटा या 4 बेटा या बेटियां है ना, तो वही लोग सुना देता है बेचारे, वो लोग कुछ बोलता नहीं।
तो उन लोगों को क्या चाहिए मालूम, इज्जत चाहिए। आप उनसे मिलिए किसी पार्क में और अंकल कैसे हैं, बढ़िया है, आप आराम से बात कीजिए। और अंकल कुछ नहीं, देखो बुजुर्ग इंसान से ज्यादा सियाना बाकी नहीं, उनसे क्या पूछना है, अंकल क्या करते हैं अंकल, अरे हम थे इंजीनियर थे। अच्छा क्या थे, हम इसमें सीसीएल में काम करते थे। कुछ नहीं बेटा किसान थे, कुछ भी बोले। अंकल थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि आप एक बहुत बढ़िया इंसान होंगे, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएंगे। देखिएगा बुजुर्ग इंसान से ना बात करने के लिए कोई नहीं रहता है, पोता पोती है, नाती पोता वो स्कूल में है बिजी, बेटा कहीं जॉब में बिजी, बहू कहीं और बिजी, समझ में आ रहा है, बात करने के लिए कोई आदमी नहीं है। बुजुर्ग इंसान से दो मिनट बात कीजिए, वो आपके साथ में दोस्ती बना लेगा, समझ में आ रहा है। और बताइए थोड़ा बताइए ना अपने बिजनेस, क्या करते थे सीसीएल, सीसीएल के किस पोस्ट में थे आप, क्या करते थे आप। अरे बेटा मत पूछो, हम तो नहीं, आपकी पर्सनैलिटी लग रहा है कि आप होंगे हैंडसम। अब वो अपने बारे में कहानी मिला, आंटी क्या करती है, कुछ नहीं हाउसवाइफ। आंटी से कहां मिले थे आप, अब देखो उसकी कहानी सुनो। हेलो समझ में आ रहा है, हर इंसान वो देखिए बुजुर्ग इंसान ने अपनी कहानी बताना चाहता, सुनने वाला साला कोई नहीं रहता है। वो कहानी और वहां पे हड़बड़ाना नहीं, उसकी कहानी पूरी सुनो आप। उसके बाद अंकल मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपके जैसा बहुत सारे, मतलब आपके जैसा बहुत पर्सनालिटी वाला, वो मत बोल देना कि आपके जैसा बूढ़ा इंसान बहुत काम करता है, सब मत बोल देना, समझ में आ रहा, आपके जैसा बुजुर्ग इंसान बहुत काम, ये मत बोल देना वहां पे। बोला आपके जैसा पर्सनालिटी वाला बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन, ये बहुत सारे 60 वाला 70 वाला जो 60 इयर्स वाले, वो लोग वहां काम कर रहे हैं और बहुत इज्जत मिलता है सर। क्या मिलता है वहां, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान मिलता है वहां पे, आपको इतनी इज्जत सम्मान मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता। और कोई बुजुर्ग इंसान ज्वाइन करता है ना, मैं बता रहा हूं ट्रेनिंग के दिन उसको स्पेशली खड़ा कीजिए स्टेज में और उनके लिए चार तालियां बजा दीजिए, मैं गारंटी देता हूं वो हमेशा के लिए उस कंपनी से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, हेलो yes, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है yes, आप एक बार करके देखिएगा। और बुजुर्ग इंसान का बहुत अच्छा दोस्ती रहता है मालूम है yes, बहुत अच्छा सर्कल रहता है। एक बुजुर्ग इंसान ज्वाइन करेगा ना, चार बुजुर्ग इंसान आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और उन लोगों का लिंक बहुत अच्छा रहता है, वो लोग क्या करेगा, सबसे ज्यादा हेल्थ का प्रोडक्ट वही लोग खरीदेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। काम भले कम करे बेसी करे, लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत सेल करवा देगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। नोनी से लेकर आंवला से लेकर एलोवेरा से लेकर बहुत सेल करवा देगा, हेलो समझ में आ रहा है। तो आप ये ओल्ड पर्सन रिटायर्ड पर्सन को ऐसे इन्वाइट करो। और यंग यूथ का कहानी बताने की जरूरत है, यंग यूथ तो आप लोग सब हो, यंग यूथ को आप इस तरीके से इन्विटेशन कर सकते हो। तो ये फुल पैकेज ऑफ मैंने इन्विटेशन बताया, समझ में आ रहा है मेरी बात, हेलो यस सर, समझ में आ रहा है yes, तो आप इन्विटेशन करने के लिए जाइए डर और शर्म को खत्म करके, समझ में आ रहा है मेरी बात yes। और अब से इन्विटेशन बढ़ना चाहिए और हर कैटेगरी को टच करना, केवल एक ही कैटेगरी में नहीं रहना, ये 13 का 13 कैटेगरी में जाना है, समझ में आ रहा है मेरी बात yes। किसी कैटेगरी को नहीं छोड़ना, आप किसी भी कैटेगरी को छोड़ोगे तो समझ लो कि आप समाज के एक ग्रुप को छोड़ दिए। अच्छा एक बात बताओ, फ्रेंड आपका बहुत सारा हो सकता है, रिटायर्ड पर्सन बहुत सारा हो सकता है, रिलेटिव बहुत सारा हो सकता है, ओल्ड पर्सन बहुत सारा हो सकता है, है ना, स्ट्रेंजर बहुत सारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप अगर किसी भी एक कैटेगरी को छोड़ोगे तो बहुत करोड़ों लोगों को छोड़ दोगे, तो किसी कैटेगरी को छोड़ने की दरकार नहीं है। इट इज क्लियर, आपका बिजनेस और आपका इन्विटेशन जबरदस्त होगा, जिसका इन्विटेशन तगड़ा रहेगा उसका बिजनेस भी तगड़ा होगा। इट इज क्लियर, तो ये मैंने आपको इन्विटेशन के बारे में आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा